फिर सॉफ्टवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ एक टूल शेयर करूंगा, बिल्कुल मीडियाटेक के लिए अच्छा टूल है। तो इससे पहले मैंने एमटीके स्लाइन टूल जो है वो भी आप भाइयों के साथ शेयर किया हूँ। वो टूल चलता है ना ऐसा ही चलेगा, लेकिन इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है? ये लॉगिन होके चलता है, तो उसके लिए आपको वीडियोस थोड़ी सी वॉच करनी होगी, उसके बाद ये आप चला सकते हो। लेकिन बिल्कुल अच्छा रहेगा आप भाइयों के लिए ये टूल, ठीक है? तो ये मैंने एक्सट्रे करके रखा है, लेकिन एक्सट्रे फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका पासवर्ड वगैरह लगा के आपको चेक करवाता हूँ मैं। तो इसको एक्सट्रे करेंगे यहाँ से, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इधर हमें क्या टाइप करना होगा? मोबाइल टीम, ठीक है, इतना कुछ लिखना है, मोबाइल टीम इतना लिखना है, और ये एक्सट्रे हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक्सट्रे हो रहा है। अब थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक ये दोबारा एक्सट्रे हो जाए। तो ये जैसे एक्सट्रे हो जाएगा तो दूसरी फाइल बन के आ जाएगी आपके सामने, ठीक है? जैसे कि मेरे सामने ये दूसरी फाइल पड़ी है, तो आपके सामने भी ऐसे आ जाएगी, ठीक है? तो मेरे भैया ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगेगी, वीडियोज़ जरूर फुल वॉच करना, और ये टूल भी आपके काम का होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसको ये सेटअप है तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से हम ओपन करेंगे। लेकिन मेरे भाई आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसका मैं फीचर आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करके भी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से, उसके बाद ये येस का ऑप्शन आ गया, येस करेंगे। अब थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे जब तक ये टूल ओपन हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ज़्यादातर भाई क्या करते हैं, वो थोड़ी सी वीडियोस हम बनाते हैं तो वीडियोस को देख के चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई आगे डाउनलोड करके दिखाएगा, पता नहीं नहीं दिखाएगा। तो मेरे भाई मैं ज़रूर डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल अच्छी वेबसाइट है, उससे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इधर हम लगा लेंगे यूज़र आईडी, और उसके बाद इसका पासवर्ड लगाएंगे, तो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल टीम, ठीक है? तो इसकी जो आईडी है वो है मोबाइल टीम, और इसका जो पासवर्ड है वो मैं वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ क्या पासवर्ड है। तो जैसा कि मैं अभी आपको ये पासवर्ड दिखा दूंगा तो आप टूल भी डाउनलोड नहीं करेंगे मुझे लगता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको टूल डाउनलोड करना है, ठीक है? अभी यहाँ शो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं इधर ही आपको दिखा देता, लेकिन आपको लिखना है HANA, ठीक है? सिर्फ इसमें चार वर्ड है, चार, ठीक है? चार ही वर्ड टाइप करने, HANA, ठीक है? इतना टाइप करना है। अभी मैं उधर भी आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे, यहाँ शो नहीं करवा सकता क्योंकि शो का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है? इतना सा टाइम लगा। अब ये आपके सामने आप देख सकते हो, जैसे यूनिवर्सल टूल चलता है वैसा ही रहेगा आप भाइयों के लिए, और ऐसा ही अच्छा चलता है, ठीक है? इसका बैकअप वगैरह सब कुछ लेके दे देता है टूल, अच्छा बिल्कुल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पे ये लिखा हुआ आ रहा है फैक्ट्री रीसेट। तो मीडियाटेक के जितने भी मोबाइल है ना, विदाउट डेटा लॉस आप नहीं कर सकते। पहले दोनों मैंने टूल दिखाया आपको, एमटीके स्लाइन टूल एंड यूनिवर्सल टूल जो है वो आपको दिखाए हैं, उसमें आप बैकअप ले सकते हो, और उसमें आप विदाउट डेटा लॉस भी मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है? यूनिवर्सल और एमटीके स्लाइन टूल में आप विदाउट डेटा लॉस कर सकते हो फैक्ट्री रीसेट, बाकी इसमें आप विदाउट डेटा लॉस नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख सकते हो ये दिया हुआ है न्यू मॉडल के लिए, उसके बाद ये ओल्ड के लिए है फैक्ट्री रीसेट, एंड इसके अलावा ये सेफ फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो ये सेफ फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर वर्क नहीं करता है, आप चला लेना, शायद आपका मोबाइल अनलॉक हो जाए। सेफ फॉर्मेट जो डेटा लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आप क्लिक करके अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ रिसेट हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? तो उसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या बोल रहा है, ये सेफ फॉर्मेट। अब ये आपके सामने देख सकते हो आप, वेटिंग फॉर यूएसबी डिवाइस, ठीक है, कनेक्ट।
तो ये बोल रहा है आपकी डिवाइस जो है, आपका मोबाइल है, कनेक्ट करो। ठीक है, तो आपको कनेक्ट कैसे करना है, वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन दोनों प्रेस करके आपको अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर लिया, उसके बाद ये इरेज F4P के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ ये भी काम करता है क्या नहीं। ठीक है, इतना कुछ दिखाएंगे, तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये सब कुछ हो चुका है, मुझे इतना ही कुछ दिखाना था। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, आपको डाउनलोड करके दिखा दूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम चले जाएंगे गूगल क्रोम में। ठीक है, ये क्रोम में आ चुके हैं, इसको बिल्कुल कट कर देंगे। फिर से ओपन करेंगे दोबारा और थोड़ा सा वेट करें जब तक ये क्रोम ओपन हो जाए। तो ये हो चुकी है ओपन। उसके बाद ये मैंने सर्च करके रखा था मोबाइल टीम ऑफिशियल। ठीक है, इतना कुछ आपको टाइप करना है। ये मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ठीक है, मोबाइल टीम ऑफिशियल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, ये तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, MTK इतना आपको टाइप करना है और आगे UTILITY इतना टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करते ही ये मैंने देखो आपके सामने सर्च किया। सर्च करते ही ये दो वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर ओपन करना है आपको। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक। यहाँ से ये क्लोज करेंगे और ये स्क्रॉल डाउन करते हम नीचे चले आएंगे। ठीक है, ये मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ रहा हूँ, तो इधर आके हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सेकंड चल रहे हैं, इधर आके थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, आपके सामने अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक हो गया। उसके बाद ये आपके सामने ये टूल डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया बस। ये थोड़ी सी MB का टूल है, बिल्कुल अच्छा चलता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये पासवर्ड वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता था, तो ये इसके पासवर्ड है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पासवर्ड जो है वो है मोबाइल टीम, ये पूरी की पूरी डिटेल इसमें पड़ी है। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा पासवर्ड जो है मोबाइल टीम, उसके बाद इसका पासवर्ड जो है यूज़र आईडी पासवर्ड जो है, यूज़र आईडी इसकी है मोबाइल टीम, और इसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो है HANA। ठीक है, इतना कुछ आपको उधर टाइप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाएगा और चलेगा, इंशाल्लाह बेस्ट चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।